राजधानी लखनऊ में टप्पेबाजी की एक बड़ी वारदात आई सामने। मानक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत RTSO में लैब रिसर्च असिस्टेंट विशेश्वर राव की पत्नी के साथ दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी। RTSO कॉलोनी में लैब रिसर्च असिस्टेंट विशेश्वर राव के आवास पर बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से पहुंचे दो बेखौफ टप्पेबाजों ने वारदात को दिया अंजाम। एक टप्पेबाज द्वारा डोरबेल बजाने पर रेलवे कर्मी की पत्नी जब निकली बाहर तो टप्पेबाज ने अपने को STF का सिपाही बताते हुए कहा कि आपके पति को पुलिस उठा ले गई है, घर में जो गहने और पैसे हैं उसे जल्दी लेकर आओ। घबराई महिला ने पति को फोन करना चाहा तो टप्पेबाज ने कहा कि वह जेल में है, बात नहीं हो सकती, फोन ना करो। जिसके बाद महिला ने घर में रखे गहने और 30,000 रुपये बैग में रखकर टप्पेबाज को थमा दिया और टप्पेबाज चलता बना। टप्पेबाज के जाने के बाद रेलवे कर्मी की पत्नी को समझ में आया कि उसके साथ टप्पेबाजी हो गई है। घटना की जानकारी होने पर घर पहुंचे रेलवे कर्मी विशेश्वर राय मीडिया के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, जिससे अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने की टप्पेबाजी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो लगभग 7 लाख की ज्वेलरी सहित 30,000 रुपये नकद की टप्पेबाजी हुई है। स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, जबकि घटना आज सुबह लगभग 10-10:30 बजे की बताई जा रही है।